हेलो भाई लोग, सभी का यार दिल से वेलकम है मेरी इस वीडियो के अंदर। जैसा कि तुम सभी को पता ही है कि मैं इस वीडियो के अंदर पॉकेट एफएम की टॉप 5 मोस्ट वायरल और फेमस स्टोरी का नाम और उनके बारे में बताने वाला हूँ। आखिर ये स्टोरी इतनी वायरल और फेमस क्यों है, इस वीडियो के अंदर तुम सभी को ये सब पता चल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर तुम लोग भी मेरी तरह पॉकेट एफएम के प्रो प्लेयर हो, यानी कि पॉकेट एफएम पर काफी टाइम से स्टोरी सुन रहे हो, तो तुम ये बताओ कि पॉकेट एफएम की मोस्ट वायरल स्टोरी कौन सी है। कोई चीटिंग नहीं करेगा, क्योंकि आगे वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है। मैं तो बस आप लोगों का ही छोटा सा टेस्ट ले रहा हूँ बस। तो चलो यार, फिर देर क्यों करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 5 पर जो स्टोरी है उसका नाम है इंस्टा एम्पायर, और इस स्टोरी के हीरो हैं नक्श भाई साहब। इस स्टोरी को अभी तक 182 मिलियन से भी ज्यादा लोग सुन चुके हैं। 182 मिलियन, ये बहुत बड़ा नंबर है। लगभग 1800 लाख से भी ज्यादा लोग इस स्टोरी पर आ चुके हैं, और इसकी वजह है कि ये स्टोरी काफी मजेदार है, इसलिए मैं भी इस स्टोरी को सुनता हूँ। तुम में से ये किसकी फेवरेट है, एक बार कमेंट करके जरूर बताओ। और हाँ, जो भी इस स्टोरी के एपिसोड डेली सुनता है, उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टोरी है ना, ये एंड हो गई है, क्योंकि इसके एपिसोड पहले की तरह डेली नहीं आ रहे हैं। लेकिन यार, आप लोग टेंशन मत लो, क्योंकि अभी ये स्टोरी एंड नहीं हुई है, क्योंकि जो स्टोरी एंड हो जाती है वहाँ पर पॉकेट एफएम में स्टोरी के ऊपर सीरीज कंप्लीट लिख जाता है। लेकिन अभी आप पॉकेट एफएम में इस स्टोरी पर जाकर देखोगे तो यहाँ पर लिखा है कि न्यू एपिसोड डेली, मतलब ये स्टोरी एंड नहीं हुई है, बस कुछ प्रॉब्लम की वजह से डेली एपिसोड नहीं आ पा रहे हैं। तो चलो यार, अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो नंबर 4 पर जो स्टोरी आती है उसका नाम है सूरवीर, और वो भी 304 मिलियन प्लेस के साथ। लेकिन ये स्टोरी जिसकी भी फेवरेट होगी, उसे ये पता होगा कि ये स्टोरी एंड हो चुकी है। लेकिन यार, तुम लोग टेंशन मत लो, पॉकेट एफएम पर ऐसी बहुत सी स्टोरीज है, तो ढूंढो, जरूर मिलेगी। इस स्टोरी के बाद तीसरे नंबर पर जो स्टोरी है उसका नाम है सीक्रेट अमीरजादा। इस स्टोरी के भी 411 मिलियन प्लेस हो चुके हैं, लेकिन यार ये स्टोरी भी एंड हो चुकी है। और पॉकेट एफएम पर इस स्टोरी के लगभग 1116 एपिसोड अपलोडेड हैं, और ये स्टोरी आज से 3 साल पुरानी है। तो यार, जिसको भी ये स्टोरी सुनना है ना, तो यार फटाक से पॉकेट एफएम पर जाओ, वहां से तुम लोग सुन सकते हो इसे। अब आती है सेकंड नंबर की स्टोरी, जिसका नाम है एक लड़की को देखा तो। तुझे देखा तो ये जाना सनम। हम लोग थोड़ा अलग ही दुनिया में आ गए थे, बट कोई ना, चलता है। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यार, ये जो सेकंड नंबर की स्टोरी है ना पॉकेट एफएम की, ये भी एंड हो चुकी है। पॉकेट एफएम पर इसकी रेटिंग 4.5 स्टार की है। बाप रे, ये पॉकेट एफएम की मोस्ट वायरल सेकंड स्टोरी है। जिसने भी इसको नहीं सुना तो यार एक बार सुनकर जरूर देखना, क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी नॉटी है। राजा जी, इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा। अरे भाई, खुद देख लो यार, क्योंकि सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो फिर मजा कैसे आएगा ना। सही पकड़े हैं। तो अब बारी है नंबर 1 की, तो गैस करो यार कौन सी हो सकती है नंबर 1 पर। अरे नहीं पहचाने, हमारी इंस्टा मिलेनियर। भाई इमोशनल क्यों हो गया यार, ये तो मेरी भी फेवरेट स्टोरी है ना, और ये भी एंड हो गई है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पॉकेट एफएम पर जो भी स्टोरी सुनता है, उनमें से हर एक बंदी ने इस स्टोरी को जरूरी सुना है, क्योंकि हमारी इंस्टा मिलेनियर लकी और लक्ष्मण लाल की स्टोरी पर बन भी, यानी कि 1000 मिलियन लोग इस स्टोरी को सुन चुके हैं, और सुनने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, क्योंकि यार हमारी स्टोरी कुछ है ही ऐसी। इस स्टोरी को सुनने का मजा सिर्फ वही लोग बता सकते हैं जो इस स्टोरी को डेली सुनते थे। मगर जिसने भी इस स्टोरी को अभी तक नहीं सुना, तो भाई बस एक एपिसोड सुनकर देखो। अगर एक एपिसोड के बाद पूरे के पूरे 1440 एपिसोड नहीं सुने ना, तो फिर कहना। अगर मेरे इस वीडियो को पॉकेट एफएम का कोई मेंबर देख रहा है, तो मैं सिर्फ उससे इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्लीज यार इस स्टोरी का सीजन 2 ला दो, इस स्टोरी को हम लोग बहुत ही ज्यादा मिस करते हैं। इसके अलावा पॉकेट एफएम से रिलेटिव किसी भी भाई को जो भी प्रॉब्लम हो, तो यार कमेंट कर देना, मैं उसी टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। एंड मैंने इस वीडियो के अंदर जितनी भी स्टोरी बताई है, वो स्टोरी तुम लोगों को पॉकेट एफएम पर मिल जाएंगी, और पॉकेट एफएम तुम लोगों को प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर तुम्हारे मोबाइल पर, और मोबाइल तुम्हें चलो ठीक है, आगे मैं कुछ नहीं बोल रहा, बट इस वीडियो से जाते जाते एक लाइक और सब्सक्राइब याद से कर देना।